अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के सामने 24वां दिन, उससे पहले एक और बड़ा मोड़ आया जिसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यानी राज्य के बोर्ड ने एक चिट्ठी लिखी है उस पैनल को, जो पैनल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही उसे निरस्त कर दिया गया, उसे चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि एक बार फिर मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू की जा सकती है जिसमें अभी उनके पास कोई प्लान है। हालांकि बाकी मुस्लिम पक्षकार इससे अनभिज्ञ हैं। कुल मिलाकर ये लगता है कि इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्षकार आपस में बटे हुए हैं। 6 याचिकाएं मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दाखिल की गई थी, उनमें से अधिकतर लोगों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई पता नहीं। जब उनके आधिकारिक वकील से बात की, उनका भी ये कहना है कि उन्हें कुछ पता नहीं है, लिहाजा ऐसे में वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये तय है, चिट्ठी लिखी गई है और पैनल ने यानी मध्यस्थता पैनल के अधिकारियों ने, 3 सदस्यों में से 2 ने इस मामले की पुष्टि की है कि उन्हें चिट्ठी मिली है। लेकिन वो चिट्ठी कितनी कारगर होगी, क्या फिर से मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? फिलहाल हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मामले को एक बार और टालने की, डिरेल्ड करने की ये साजिश है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि उस चिट्ठी पर कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती है या वो चिट्ठी फिर से डस्टबिन में डाल दी जाती है। कैमरामैन ललित जोशी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।